मुंबई टेस्ट में भारत को विराट जीत मिली है। चौथे टेस्ट मैच के पांचवें दिन भारत ने इंग्लैंड को एक पारी और 36 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है और इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। खेल के पांचवें दिन इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 195 रन पर ही सिमट गई। टीम इंडिया को पहली पारी में 231 रनों की बढ़त मिली थी। पहली पारी में रिकॉर्ड 235 रनों के योगदान पर भारत के कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया है। भारत की यह जीत काफी अहम है क्योंकि इस जीत में कई ऐसे रिकॉर्ड भी बने हैं जिन्हें सालों से कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया था। चौथे टेस्ट के पांचवें दिन जीत के सूत्रधार रहे रविंद्र चंद्रन अश्विन, जिन्होंने शुरुआती घंटे में ही इंग्लैंड की टीम को धराशायी कर दिया। अश्विन ने मैच की दोनों पारियों में 6-6 विकेट लेकर एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उन्हें भारत की जीत का ट्रम्प कार्ड यूं ही नहीं कहा जाता। वह इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इस टेस्ट में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दमदार प्रदर्शन करते हुए शानदार 235 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली। कोहली ने इस साल का यह तीसरा दोहरा शतक जड़ते हुए एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। वहीं बतौर कप्तान ये किसी भी भारतीय खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसी के साथ ही कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ एक और कीर्तिमान अपने नाम किया है। विराट की 235 रनों की पारी इंग्लैंड के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी भारतीय पारी है। आपको बता दें कि कोहली अब तक 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 640 रन बना चुके हैं, जबकि अभी एक टेस्ट मैच और बचा हुआ है। वही नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए जयंत यादव ने अपने तीसरे ही टेस्ट में वो इतिहास रच दिया है जो आज तक इस नंबर पर कोई भारतीय नहीं रच सका, और ये है शतकीय पारी। 7 विकेट गिरने के बाद जयंत बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उनका जलवा टॉप क्लास के बल्लेबाज जैसा दिखा। जयंत ने 204 गेंदों का सामना किया और 15 चौकों की मदद से 104 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 51 साल पुराना फारूक इंजीनियर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फारूक ने साल 1965 में नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए भारत की ओर से 90 रन की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड बनाया था। तो टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। कप्तान विराट कोहली के शानदार नेतृत्व में टीम इंडिया का कद लगातार बढ़ा है। इस जीत ने टीम इंडिया के हौसले को और बढ़ा दिया है और जाहिर है कि मुंबई टेस्ट के बाद अब भारत की नजर चेन्नई टेस्ट पर टिकी है।